युवराज सिंह के अलावा क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, एक्टर अक्षय कुमार, जयाप्रदा और पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटीज के भी बीजेपी की तरफ से लोकसभा इलेक्शन लड़ने की खबरें हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार की फिल्मों से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा रहती है। कभी उनको उनकी नागरिकता के लिए ट्रोल किया जाता है तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने के लिए। अक्सर ऐसी खबरें भी आती है कि अक्षय राजनीति में कदम भी रखने वाले हैं। एक बार फिर से ऐसी ही खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन इस बार अप्रैल और मई में होने वाले हैं। उसके पहले ही राजनीतिक गलियारों में सुगबुगुहाट बढ़ गई है। अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग दावेदार के नाम सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि अक्षय कुमार को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। वो दिल्ली की चांदनी चौक सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं और अक्षय कुमार के बीच चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि अभी तक इन खबरों पर ना तो अक्षय कुमार की तरफ से कोई बयान सामने आया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई भी टिप्पणी की है, इसलिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अक्षय कुमार के बीजेपी संग रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। उनकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की रिलीज के वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म का प्रचार किया था। सोशल मीडिया पर इन खबरों को लेकर भी कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार पहले ही कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि एक्टर्स को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, ये सच नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिटिक्स अक्षय कुमार की बस की बात नहीं है। अगर उन्हें राजनीति से जुड़ना भी है तो आने वाले 5-10 साल बाद उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। भाई, मैं इस बंदे की बात से पूरा सहमत हूँ। अक्षय के अलावा कंगना रनौत का नाम भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कंगना रनौत भी इस साल लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। उन्हें भी बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में पॉलिटिक्स से ज्वाइन करने पर हिंट दिया है, मगर उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। खैर, अक्षय कुमार के आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो इस साल उनका शेड्यूल बहुत ही टाइट है। साल 2024 के लिए अक्षय कुमार की लाइनअप को देखा जाए तो इस साल के अंत तक अक्षय करीब 9 फिल्में रिलीज कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत होगी बड़े मियां छोटे मियां से। इसके बाद सरफिरा, सिंगम अगेन, स्काई फोर्स, वेलकम टू द जंगल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्री शंकर नायर, खेल खेल में और हेरा फेरी 3। इसके अलावा भी अक्षय कुमार हाउसफुल 5 की शूटिंग में बिजी है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेटर युवराज सिंह के बारे में। पिछले कुछ समय से मीडिया में खबरें उड़ रही है कि पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर युवराज सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। दावा किया गया कि वो पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो भी बीजेपी की तरफ से। फिलहाल इस सीट पर एक्टर सनी देओल सांसद है। तमाम रिपोर्ट्स पर युवराज सिंह ने रिएक्ट किया है। मार्च की रात को युवराज सिंह ने एक पोस्ट में सारे दावों को लेकर बात की है। मैं गुरदासपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लोगों को सपोर्ट करना और उनकी मदद करना मेरा जुनून है और मैं अपने फाउंडेशन यूवी केन के माध्यम से ऐसा करना जारी रखूंगा। आइए मिलकर पूरी कोशिश के साथ बदलाव करते हैं। दरअसल हाल ही में युवराज सिंह की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई थी, तब से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू होने लगी। युवराज सिंह के अलावा क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, एक्टर अक्षय कुमार, जयाप्रदा और पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटीज के भी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर टीएमसी सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा से मुकाबले के लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह को उतारने का प्लान बनाया है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि इस चुनाव में पार्टी लगभग 3 दर्जन बड़ी हस्तियों को चुनाव मैदान में उतरेगी। तो क्या गाइस, अक्षय कुमार को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। ये थी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।